हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फाई प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज हैशटैग डू मोर विद डीफाई। आज के क्रिप्टो न्यूज में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। अगर हम देखें तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन को क्रॉस करी है उनका जो नंबर है वो पिछले 2 महीनों के अंदर डबल हो चुका है। और अभी क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम जो है उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो है आना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि टेस्ला, स्क्वेयर, माइक्रो स्ट्रेटजी। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने जो कैश रिजर्व्स का कुछ पार्ट्स जो है वो बिटकॉइन या फिर अदर टॉप अल्ट कॉइन्स जो है खरीदने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी जो गेन की है। इसके अलावा NFTs, नॉन फंजिबल टोकन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर आए हैं, जिसकी वजह से ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर होने लगी है। इसके अलावा अगर हम स्टेबल कॉइन्स की बात करें उसके अंदर भी जो लोगों का इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पिछले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन जो कि NFT से रिलेटेड है और उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 बिलियन को क्रॉस करी है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है इंजन, और ये इंजन प्लेटफॉर्म का जो कॉइन है इंजन, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हाईएस्ट जो है बेनिफिट मिला है ये NFT को लाइमलाइट के अंदर आने की वजह से। और इसने अभी इसका जो कॉइन है इंजन उसने मार्च 15 को जो अपना एक ऑल टाइम हाई भी अचीव किया है ऑफ अबाउट $3.08, और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट $2.5 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है अभी जंप नेट प्रोजेक्ट जो है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करने वाला है, जिसकी वजह से अभी भी जो है कम्युनिटी का जो है इसके अंदर इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि ये साइन शो करता है कि जो इंजन कॉइन है वो अभी भी बुलिश है। इसके अलावा एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग जो है डिजिटल प्लॉट्स खरीद सकते हैं किसी लैंड के, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी अबाउट $1.5 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा एक फ्लो ब्लॉकचेन है जो कि डेवलपर फ्रेंडली ब्लॉकचेन है, उसकी भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट $1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम से जो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो है क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर जैसे हम देखें तो इथेरियम के ऊपर जो है नेटवर्क फीस, गैस फीस और कंजेशन बढ़ने की वजह से अभी जो बाकी के अदर डीफाई प्रोटोकॉल्स एज प्रोजेक्ट जिस पर हम डीफाई प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उसके ऊपर जितने डीफाई प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जैसे कि पैनकेक स्वैप, उसके भी काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $2.6 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और अगर हम लोग डीफाई ललामा की अगर रिपोर्ट देखें तो उनके अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है वो 5th लार्जेस्ट डीफाई प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है, और इसके ऊपर अबाउट $6.18 बिलियन की जो टोटल वैल्यू है वो लॉक्ड है। इसके अलावा एक थोर चेन प्रोजेक्ट है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ऑपरेट करता है, उसका जो टोकन है रून उसकी भी जो वैल्यू है वो January 1 से लेकर अभी तक जो है अबाउट 700% इंक्रीज कर चुकी है, और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $1.95 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है अभी थोर चेन मल्टी चेन प्रोजेक्ट जो है वो भी लॉन्च करने वाला है अप्रैल के अंदर, जो कि साइन शो करता है कि आने वाले टाइम के अंदर इस प्रोजेक्ट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ क्रॉस चेन ब्रिजेस और इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 बिलियन को क्रॉस करी है। जैसे कि पहला है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो BNB टोकन है उसकी भी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ये जो है वो 3rd लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन चुका है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अभी अबाउट $53.5 बिलियन के आसपास चल रही है। इसके अलावा जो पॉलीगन प्लेटफॉर्म है उसका जो मैटिक टोकन है उसकी भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट $1.9 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा जो आवे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसके टोकन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट $4.9 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा जो सुशी स्वैप है
उसकी भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट 1.9 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेबल कॉइन्स और स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अगर हम देखें तो 2021 की स्टार्टिंग में ही जब यूएस ट्रेजरी ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ करेंसी ने जब बैंक्स को जो है ग्रीन लाइट दी थी कि वो अपने इंडिपेंडेंट नोट जो है वो रन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर नेटवर्क के ऊपर, उसके बाद से ये जो स्टेबल कॉइन्स है उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि जो टेदर स्टेबल कॉइन है उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट 43 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा जो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन है उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा अब हम कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करी है। जैसे कि पहला है थीटा, इसका जो टोकन है थीटा उसका जो प्राइस है वो 900% इंक्रीज हुआ है 2021 की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी 1 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा जो बैट प्लेटफॉर्म है उसका जो बैट टोकन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है रैली करा है, और उसने अभी अनाउंस किया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डेक्स एग्रीगेटर और NFT वॉलेट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा जो हीलियम का HNT टोकन है उसकी भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अबाउट 1.2 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। और अगर हम लोग अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो है ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो अबाउट 2 ट्रिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुकी है। अगर आप लोगों को इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म hudalinfo.com पर, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finstreet.in पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट एंड क्रिप्टो नाइट को, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू FinStreet। थैंक यू।